हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो वर्क वाला कपड़ा होता है उसका लहंगा बनाने का तरीका बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ये लाचा कह लीजिए या स्कर्ट कह लीजिए या फिर इसको लहंगा कह लीजिए, हमें कमर से फिटिंग वाला लहंगा बनाना है। ये देखिए, ये नीचे की साइड से वर्क इस प्रकार से है और ये ऊपर की साइड से इस प्रकार से प्लेन है। तो हमें इसमें कलियों वाला लहंगा यानी स्कर्ट बनाना है। तो हम किस प्रकार से बनाएंगे? इसमें आमने और सामने हम कलियां निकाल नहीं सकते क्योंकि ये वर्क है। वर्क की वजह से हमें आमने सामने की कलियां नहीं निकालनी, इसलिए हम एक साइड से ही कलियां एडजस्ट करेंगे। तो वो किस प्रकार से करेंगे ये आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी जानेंगे कि मैंने ये किस प्रकार से बनाया है। ये देखिए, मैंने लहंगे की जो मेरे पास लंबाई है तैयारी, वो मुझे 40 इंच रखनी है। ये मैंने नीचे की साइड से, इसमें कोई मुड़ाई वगैरह है नहीं। ये देखिए, ये डिजाइनर है, इसलिए मैंने इतना ही कट करना है जितना मुझे चाहिए क्योंकि नीचे की साइड मुझे मार्जिन में कपड़ा नहीं चाहिए। तो मैंने 2 इंच नेफे के लिए निकाल लिया और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 38 इंच कट कर ली है, पहले से मैंने कट कर रखी है। ये देखिए, हमने 38 इंच इसकी लंबाई कट कर ली थी। ये देखिए, अब हमें करना क्या है ये मेरे पास 4 मीटर का कपड़ा है। लहंगा वैसे हम नॉर्मल 3 मीटर का भी बना सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हैवी बनने वाला है इसलिए ये 4 मीटर मैंने ले रखा है। तो आप इसको देख सकते हैं, ये बहुत ही भारी बनेगा। कम से कम 3 मीटर कपड़ा हमारे पास होना चाहिए। हमें करना क्या है, 10-10 इंच पे हमें निशान लगाने हैं। यहाँ से मैंने पहले से कुछ तिरछा कर दिया था कलियों के लिए कपड़ा। ये देखिए, यहाँ से ये कुछ इस प्रकार से था, यहाँ से मैंने 10 इंच पे निशान लगाया था। ये देखिए इस प्रकार से, और 10 इंच पे निशान लगाते हुए दोनों साइड मैंने ये 4-4 इंच का जो है कपड़ा निकाल दिया था तिरछा, ताकि इसे कली का रूप, पहली कली का रूप दे सकूं। तो यहाँ से हमें 10 इंच पे निशान लगा लेना है। ये देखिए, और बाद में जो दोनों साइड की जो खुला है दोनों साइड, उन साइड से हमें ऊपर की साइड से, कमर वाली साइड से 4-4 इंच इस प्रकार से तिरछा कपड़ा निकाल देना है नीचे की तरफ। ये नीचे वाले वर्क में बिल्कुल भी कटिंग नहीं करना है। और फिर हमें 10-10 इंच पे निशान लगा लेना है। इस प्रकार से 10-10 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है और मेरे पास इसमें 14 कलियां बनी हैं और मुझे जो कमर है वो चाहिए 42 इंच। तो इसमें हमें 14 कलियों के हिसाब से देखना होगा कि हमें हर एक कली में कपड़ा ऊपर की साइड कितना रखना है। नीचे की साइड तो हमें 10 इंच ही रखना होगा। तो हमें 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 3-3 इंच की कलियां हमें रखनी होंगी ऊपर की साइड से, और नीचे की साइड से भी हमें 10-10 इंच पे निशान लगा लेना है। ये देखिए, यहाँ मैंने 10-10 इंच पे निशान लगा रखा है, 14 कलियों का ऊपर की साइड, 14 कलियों का नीचे की साइड। और इस निशान को हमें इस प्रकार से बिल्कुल सीधा मिला लेना है। ये देखिए, इस प्रकार से जो ऊपर हमने 10 इंच पे निशान लगाया है उस निशान में इसको हमें अच्छे से मिला लेंगे इस प्रकार से। अब हमें हर एक कली में 3 इंच रखना है। तो यहाँ से हमें जो ये मैंने कट लगाया है, यहाँ से हमें 1.5 इंच इधर की साइड और 1.5 इंच उधर की साइड, इस प्रकार से हमें 3 इंच रखना है। तो हमें करना क्या है, जो हमारे पास कली है 10 इंच की, तो हमें इस प्रकार से सिलाई लगानी है। तो 10 इंच में से 3.5 इंच एक साइड सिलाई लगाएंगे और 3.5 इंच एक साइड से। तो 10 इंच में हमारे पास 3 इंच बिल्कुल बराबर बराबर बचेगा। मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए, जैसे हमारे पास ये कली है, ये मैंने कट लगा रखा है। ये देखिए, इसको इस प्रकार से फोल्ड करेंगे।
फोल्ड करते हुए हमें 3.5 इंच पे निशान लगा लेना है। इस प्रकार से सिलाई के लिए हमें 3.5 इंच पे निशान लगा लेना है। मैं आपको सिलाई लगा के बता देती हूँ। बिल्कुल बराबर बराबर नापते हुए हमें सिलाई लगानी होगी, ये देखिए। और जो ये नीचे की साइड मैंने निशान लगाया है, इसका इस प्रकार से यहाँ से पकड़ते हुए नीचे की साइड तक इसको पकड़ लेंगे अच्छे से। इस प्रकार से नीचे की साइड से हमें बराबर फोल्ड कर लेना है। और ये हमारे पास ऊपर की साइड है, जो है ये कट है, ये बीच में रहना चाहिए। और यहाँ से हमें 3.5 इंच पे निशान लगा लेना है सिलाई लगाने के लिए, ये देखिए दोनों साइड से। और यहाँ से हमें सिलाई लगानी शुरू कर देनी है, जो ये हमारा निशान लगा है, यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। कम से कम 1.5 इंच की दूरी तक हम इसको सीधा रखेंगे और फिर इसको हम तिरछा करना शुरू कर देंगे, क्योंकि नीचे की साइड हमें खुली खुली चाहिए, इसलिए हमें धीरे धीरे करते हुए बिल्कुल किनारे की तरफ चले आना है। ये देखिए इस प्रकार से हम मशीन को घुमाते घुमाते नीचे की तरफ, और यहाँ से नीचे की तरफ से जो हमने निशान लगाया है इसको इस प्रकार से बराबर पकड़ लेंगे और सीधी सिलाई लगाएंगे किनारे तक। इस प्रकार से धीरे धीरे करते हुए बिल्कुल एक पैर के माध्यम तक सिलाई लगा लेंगे नीचे की तरफ। नीचे की तरफ हमें ज़्यादा सिलाई नहीं लगानी है, ये लहंगा बहुत ही सुंदर बनेगा और ये पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगने वाला है। ये देखिए इस प्रकार से मैंने यहाँ से किनारी की सिलाई लगाई है और यहाँ से मैंने वो 3.5 इंच वाली सिलाई लगा ली है। इसी प्रकार अब हमें जो ये दूसरी कली है, जो ये दूसरा कट है, इसको इस प्रकार से उठाना है और यहाँ से हमें फिर से 3.5 इंच पे निशान लगा लेना है। ये देखिए इस प्रकार से हमें 3.5 इंच पे निशान लगा लेना है। और जो हमारे पास बीच में कली का कपड़ा बचेगा वो 3 इंच बचेगा, ये देखिए ये बिल्कुल बराबर हमारे पास 3 इंच बच रहा है। और हमें जो इस कली पे सिलाई लगाई है उसी प्रकार से सिलाई लगानी है, पहले लगभग 1-1.5 इंच तक सीधी और बाद में हमें नीचे की तरफ तिरछा करते हुए चला जाना है इस प्रकार से। ये देखिए हमने दोनों कलियों पे सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधा करते हैं। सीधा करने के बाद ये देखिए हमारे पास ये बिल्कुल कली का रूप आ चुका है। और यहाँ से हमें देखना है ये 3 इंच है क्या, ये देखिए ये 3 इंच पूरा पूरा 3 इंच है। और जो नीचे की साइड है वो देखिए इस प्रकार से धीरे धीरे होते हुए बिल्कुल तिरछा और बिल्कुल नीचे की साइड से फुल घेर वाला कली है। ये देखिए यहाँ पे हमें लगभग ये 9 इंच के करीब बचेगा, या 9 इंच से ज़्यादा ही इसमें ज़रा ज़रा सा सिलाई रखनी है, ये देखिए। और इसी प्रकार एक एक करके हमें सभी कटों पे इसी प्रकार यहाँ से कट को पकड़ेंगे और नीचे की तरफ जो मैंने निशान लगा रखा है वहाँ तक पकड़ लेंगे। और यहाँ से हमें 3.5 इंच पे निशान लगाते हुए और इसी प्रकार से जो ये मैंने कलियाँ बनाई हैं इसी प्रकार से हर एक कली पे सिलाई लगाऊंगी और आगे एक एक करके जो ये कट हैं इन पे सभी पे 3.5-3 इंच डबल फोल्ड में सिलाई लगा लेनी है। और नीचे की साइड 1.5 इंच के बाद धीरे धीरे मशीन को साइड में लेते चला आना है और बिल्कुल लास्ट तक किनारी पे सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने एक एक करके सभी कलियों पे सिलाई लगा ली है और हमने सभी कलियाँ 3-3 इंच की रखी हैं, ये देखिए। और जो नीचे की साइड से हमारा घेरा है वो ये देखिए फुल चौड़ा है, यानी थोड़ा थोड़ा हमने मार्जिन में रखा है बिल्कुल इस प्रकार से। ये देखिए सभी कलियाँ मैंने थोड़ी थोड़ी दबाव में दी है, क्योंकि यहाँ से हमें कट नहीं करना है इसलिए खुलने का डर भी नहीं रहेगा। ये देखिए पूरा घेरा बहुत ही अच्छा लगेगा तैयार होने के बाद। अब जो है ये कपड़ा है जो ये मैंने
ऊपर से 3.5-3.5 इंच मार्जिन में रखा है। इसको हमें थोड़ा थोड़ा 1-1 इंच रखते हुए इस प्रकार से कट कर लेना है ताकि ऊपर से ज़्यादा हैवी ना लगे। इस प्रकार से जितना हमारे पास ज़्यादा है हम उतने को ही कट करेंगे, नीचे तक कट नहीं करना है इस प्रकार से, क्योंकि नीचे की साइड वाला सेफ रहेगा, खुलने का डर नहीं रहेगा कट नहीं करेंगे तो। ये इस प्रकार से यहाँ तक जो हमने ज़्यादा मार्जिन में रखा है वही कट करना है। ये देखिए हमें सभी कलियों का कपड़ा एक एक करके निकाल लिया है। इससे क्या होगा कि जो हमारा ऊपर से लहंगा है वो भारी भरकम नहीं होगा और इसका वजन बिल्कुल हल्का हो जाएगा और ये सुंदर भी बहुत ही लगेगा। पहले हमने इसलिए कट नहीं किया क्योंकि पहले कट करने से कपड़े की फिनिशिंग खराब हो जाती, और हमने बाद में कट इसीलिए किया है ताकि सिलाई लगाने में भी कोई दिक्कत ना हो और कलियां छोटी बड़ी ना हो। अब हमें यहाँ से जो कमर है उसका निशान लगाना है। इस प्रकार से हमें डबल फोल्ड करना है। कमर हमारे पास थी 42 इंच तैयारी। ये देखिए यहाँ से हमें नाप लेना है और यहाँ से हमें 21 इंच पे निशान लगाना है। ये देखिए, और जो ये बढ़ा हुआ कपड़ा है इसको हम इस प्रकार से फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ कुछ दूरी में सिलाई लगा लेंगे ताकि हम यहाँ पे हमारी जो नेफे वाली साइड वाली जगह खुली होती है उसको रखेंगे, और दोनों साइड से जितना बड़ा है उतना ही हमें फोल्ड करना है, बाकी नहीं करना है। ज़्यादा बड़ा होता तो हमें इसको थोड़ा थोड़ा ज़्यादा फोल्ड कर लेते, ये हमारे पास थोड़ा थोड़ा है इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको दोनों साइड से फोल्ड कर लिया है। इस लहंगे के हम अस्तर नहीं लगाएंगे, ये बिना अस्तर का ही लहंगा होगा इसलिए ये सिलने में बहुत ही आसान है। अब हमें नेफे के लिए कपड़ा लेना है। ये देखिए जो कि मैंने पहले से कट कर रखा है, जिसकी मैंने लंबाई रखी है 42 इंच और यहाँ से जो चौड़ाई है वो 4.5 इंच रखी है। 42 इंच से मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही रखा है क्योंकि साइड से हमें इस प्रकार से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है और बाद में ही हमें नेफे के साथ सेट करना है। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है और इसी प्रकार से हमें दूसरी साइड सिलाई लगानी है। अब हम लहंगे को उल्टी साइड से रखेंगे यहाँ से इस प्रकार से, और जो ये हमने ये फोल्ड कर रखा है और इसको इस प्रकार से मिलाएंगे। नीचे वाला कपड़ा उल्टी साइड से रखेंगे और जो ऊपर वाला कपड़ा है उसको भी हमें उल्टी साइड से ही रखना है, हमारी तरफ उल्टी साइड होनी चाहिए जैसे कि आपको दिख रही है, और हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है दूसरे कॉर्नर तक। ये देखिए हमने नेफे की सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधी साइड इस प्रकार से लेंगे और यहाँ पे इस प्रकार से इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से बिल्कुल बराबर बराबर यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है ऊपर की साइड। अब ये हमारी सीधी साइड सिलाई आएगी जो फिनिशिंग से आएगी। अगर हम पहले से सीधी साइड से सिलाई लगा लेते तो ये सिलाई उल्टी साइड आती और फिनिशिंग अच्छी नहीं आती, इसलिए मैंने पहले उल्टी साइड सिलाई लगाई थी। ये देखिए हमने नेफे की सिलाई लगा ली है, ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब जो हमारी फाइनल सिलाई है साइड वाली, ये सिर्फ 2 पल्लों की है। ये देखिए, और हमने कहीं से भी इसको कट नहीं किया था, और इसको इन पल्लों को नीचे की साइड से इस प्रकार से मिलाते हुए सीधी सिलाई लगा लेनी है, और यहाँ से जो ये ऊपर की साइड है यहाँ से हमें इसको लगभग 3-4 इंच खुला रखना है, सिलाई को यहाँ तक उतार देना है। मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है और यहाँ से हमें नीचे की साइड मशीन को उतार दिया है, और ये मैंने लगभग 4 इंच तक खुला रखा है। ये देखिए इस प्रकार से अब हम इसको सीधा करेंगे क्योंकि हमारा लहंगा बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए हमारा लहंगा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है,
और इसका घेरा बहुत ही ज्यादा हैवी बना है। ये देखिए, पहनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगने वाला है। और ये देखिए, नीचे की साइड से फुल घेर है इसका। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।